Hey guys, welcome back to my channel online unboxing and honest review. इस बार मैंने मंगवाया है कुछ Amazon से जो कि decoration के लिए use किया जा सकता है. Video शुरू करने से पहले या अपना honest review देने से पहले अगर आपको मेरा ये video पसंद आता है तो please like my video and share my video with your friends and family. और अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आता है तो do subscribe my channel and hit the notification bell ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने Amazon से क्या मंगवाया था. सबसे पहला तो as you know कि Amazon कुछ इस तरीके के हार्डबोर्ड में सामान भेजता है. कुछ ऐसी चीज़ होती है जो डैमेज हो सकती है तो उसके लिए Amazon उसमें बबल शीट या फिर एयरी बैग्स उसके अंदर रखती है ताकि वो चीज़ें अच्छे तरीके से हमारे पास पहुंच जाए. तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं. सो देखिए इसे मैंने खोला है और ये अंदर कुछ इस तरीके के पैक में आया है. ये इस तरीके से उन्होंने रैप किया है, आप देख सकते हो. ये भी एक जो कार्डबोर्ड का ही एक पीस है और इसमें है एक प्लांट, आप देख सकते हो, जिसका ये जो पॉट है वो आई थिंक सिरामिक या प्लास्टिक से बना हुआ है. तो चलिए मैं इसको भी अनबॉक्स करके आपको दिखाती हूँ कि ये प्लांट जो है वो मेरे पास कैसी पोजीशन में आया है और उसका कंडीशन कैसा है. तो ये देखिए इस तरीके से इसके सेलो टेप को निकालने पर आप देख सकते हो कि ये प्लांट कुछ इस तरीके से दिखता है. काफ़ी अच्छे से उन्होंने ये जो पीस है उसको लगाया था ताकि ये जो प्लांट है और ये जो पॉट है वो खराब नहीं हो, टूटे नहीं. और हाँ, ये प्लास्टिक का ही है. यहाँ पर एक होल दिखाई दे रहा है आपको. सबसे पहले इस प्लांट का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और इसका इमेज जो है फिर प्राइस मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी. ये मुझे पड़ा था 350 रुपीज़ में. प्लांट काफ़ी हेल्दी है. मुझे नहीं लगता कि ये प्लांट मर जाएगा, मतलब इट इज़ रियली इन गुड कंडीशन. सो 5 स्टार फॉर पैकेजिंग एंड 5 स्टार फॉर दिस हेल्दी प्लांट. तो ये देखिए कुछ इस तरीके से उन्होंने इसको सेलो टेप से पैक किया है और अंदर उन्होंने थर्मोकोल का एक शीट भी रखा है. आई थिंक उसकी जो भी सॉइल वगैरह उन्होंने डाला है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. तो ये देखिए तो सेलो टेप को हम रिमूव कर देते हैं एंड देन इस थर्मोकोल को हम रिमूव करते हैं क्योंकि इसकी तो ज़रूरत हमें पड़ने वाली नहीं है. और जो प्लांट है वो देखिए काफ़ी अच्छी कंडीशन में, इसकी सॉइल मैं आपको एक्चुअल इसको दिखाती हूँ पूरा ये रिमूव करके. इसमें पोर्ट पे काफ़ी सारे कलर्स के ऑप्शन थे, ग्रीन, येलो, आई थिंक रेड वाले भी थे. मैं वो सारे इमेजेस डाल दूंगी लेकिन मुझे येलो वाला चाहिए था. येलो वाला जो है वो तुरंत उस पर हमारा जो ध्यान है वो चला जाता है. प्लांट की हाइट उतनी नहीं है लेकिन पोर्ट की हाइट अच्छी खासी है. मैं मेजर करके दिखाती हूँ कि इसकी हाइट कितनी है. देखिए अगर इंच में हम इसको मेजर करते हैं तो ये करीब 5 इंच का है. पोर्ट की जो हाइट है वो 5 इंच के करीब है. और प्लांट की अगर मैं हाइट बोलूँ तो जो बाहर है वो आई थिंक 4.5 से 5 इंच का ये प्लांट भी है. पोर्ट की हाइट भी अच्छी खासी है और प्लांट की हाइट भी अच्छी खासी है. और सबसे बढ़िया चीज़ कि प्लांट जो है वो हेल्दी है. ये प्लांट का क्या इम्पोर्टेंस है वो सब मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ डेकोरेशन के लिए इसको मंगवाया था. तो मेरा जो रूम है वो एसी वाला है और छोटा सा कैबिन है मेरा. तो उस कैबिन में काफ़ी सारा एयर जो है वो दूषित एयर है, उसको
साफ करने के लिए आप कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो भी एक साइकिल है वो साइकिल मेरा ये उस कैबिन के अंदर पूरा करेगा, और प्लस मेरा जो कैबिन है वो इससे लुक भी उससे अच्छा आएगा, सो डेकोरेट भी करेगा और साथ में हेल्दी एनवायरनमेंट भी बनाएगा। तो इसका प्राइस था 350 रुपीज़। पोर्ट भी काफ़ी मजबूत है, प्लांट भी हेल्दी है, सो आपको भी अगर इंडोर प्लांट चाहिए तो आप अमेज़ॉन से इसको ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।